नमस्कार, वीकेवी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आज आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। राजनीतिक गहमा गहमी के बीच प्रदेश में राजनीतिक दल अपनी डफली अपना राग अलापने लगे हैं। हर किसी का मकसद जनता के कंधे पर बंदूक रखकर अपना हित साधन साधना है। स्थानीय चुनाव में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उत्तर भारतीय मोर्चा ने नया मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि मुंबई के वाशी स्थित यूपी भवन को उत्तर प्रदेश से आने वाले जरूरतमंदों के लिए खोला जाए। इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि उत्तर भारतीयों के वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सके। इस बीच विधान परिषद के सभापति रामराजे नाइक निंबालकर ने राज्य सरकार से खास सिफारिश की है। उनके अनुसार चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने चुनाव क्षेत्र में कम से कम 10 पेड़ लगाने को कहा जाए और ऐसा न करने वालों को आवेदन भरने से रोका जाए। माना जा रहा है कि उनका उद्देश्य इतना सार्थक है कि कोई ना कर ही नहीं सकता और यह गलत है भी नहीं, इसलिए चेहरा सुर्खियों में रहना तय है। मगर स्थानीय चुनाव को लेकर चाल यही नहीं थमी है, अब एक और बदलाव सामने आया है। राजधानी मुंबई को छोड़कर राज्य की सभी महानगर पालिकाओं और नगर परिषदों में बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति दोबारा लागू किया जाएगा, जबकि नगर पंचायतों में एक सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू रहेगी। इसके अनुसार मनपा में 3 सदस्यों का वार्ड होगा, जबकि नगर परिषदों में 2 सदस्यों का वार्ड होगा। इसे भी दल हित से जोड़कर देखा जा रहा है। एक और मुद्दा प्रासंगिक है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर विधानमंडल का 2 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग की थी। जवाब में ठाकरे ने कहा था कि देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मद्देनजर संसद का 4 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। मुद्दे पर पत्रबाजी जारी है, आरोप प्रत्यारोप थोपे जा रहे हैं, सभी महिलाओं के हिमायती बनने की कोशिश में लगे हैं। इससे इतर एक मुद्दा विस्फोटक भी है। हाल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश में धमाकों की साजिश रचने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र ATS ने भी जांच को आगे बढ़ाते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों ने कई राज खोले हैं। विध्वंस के साथ ही हिंसा की किस कदर साजिश रची गई थी और कितने नामचीन हस्तियों को आतंकियों ने निशाने पर रखा था, यह जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रदेश में जारी तेज हलचल को आइए इन 5 खबरों के माध्यम से पूरा समझते हैं। मुंबई के वाशी स्थित यूपी भवन को उत्तर प्रदेश से आने वाले जरूरतमंदों के लिए खोलने की मांग तेज हो चली है। राज्य के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह ने कहा कि मुंबई में बड़ी संख्या में लोग कैंसर का इलाज करवाने के लिए मुंबई आते हैं। फुटपाथ पर रहकर वे इलाज कराने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे में उनके रहने के लिए यूपी भवन में प्रावधान पहले से ही होना चाहिए। पहल करते हुए कहा कि इसके लिए मैं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करूंगा। महाराष्ट्र बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश से इलाज कराने के लिए आने वाले लोगों की पीड़ा से सब वाकिफ है। इसके पहले भी मैं पहले ही यूपी भवन के सदुपयोग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुका हूँ। सपा के विधायक अबू असीम आजमी ने भी जोर देकर कहा कि जब यूपी भवन का उद्घाटन हुआ था तभी मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री से यूपी भवन में दुकानों की बजाय कैंसर मरीजों के मुफ्त में रहने की सुविधा के देने की मांग की थी, लेकिन तब से अब तक कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह से यूपी से आए मरीजों को फुटपाथ पर रहना पड़ता है। मैं इस बारे में एक बार फिर से वर्तमान मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यूपी से आने वाले लोगों की पीड़ा से अवगत कराऊंगा। विधान परिषद के सभापति रामराजे नाइक निंबालकर ने राज्य सरकार से खास सिफारिश की है। ये सिफारिश इसलिए खास है क्योंकि सीधे पर्यावरण से जुड़ा है। उनके अनुसार चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने चुनाव क्षेत्र में कम से कम 10 पेड़ लगाने को कहा जाए और ऐसा न करने वालों को आवेदन भरने से रोका जाए। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर विधानमंडल में निंबालकर की अध्यक्षता में बुधवार को एक अहम बैठक हुई। बैठक में धरती के बढ़ते तापमान पर चर्चा के बाद राज्य सरकार को कुछ सुझाव भेजे गए हैं। इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी अर्ध सरकारी निजी पार्किंग में वरीयता देने, विभिन्न जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने, चुनाव लड़ने से पहले क्षेत्र में 10 पेड़ लगाने,
विधायक निधि का एक हिस्सा पर्यावरण संरक्षण के लिए खर्च करने की इजाजत देने जैसे सुझाव शामिल है। निम्बालकर ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई है, हाल ही में राज्य में आई बाढ़ इसका उदाहरण है। ऐसे में संकट से निपटने के लिए समय रहते जरूरी कदम उठाना और पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना कारगर हो सकता है। विधानमंडल के शीत सत्र के दौरान इस मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। बैठक में विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवल, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यावरण राज्य मंत्री संजय बनसोड़े, विधायक रोहित पवार, संजय जगताप और विनायक मेटे मौजूद थे। प्रदेश में स्थानीय चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज है। कुछ दिन पहले एक वार्ड एक सदस्य की वकालत की गई, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके अनुसार राजधानी मुंबई को छोड़कर राज्य की सभी महानगर पालिकाओं और नगर परिषदों में बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति दोबारा लागू किया जाएगा, जबकि नगर पंचायतों में एक सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू रहेगी। प्रदेश में अगले साल होने वाले महानगर पालिकाओं और नगर परिषदों चुनाव बहुसदस्यीय वार्ड पद्धति से होंगे। मनपा में 3 सदस्यों का वार्ड होगा, जबकि नगर परिषदों में 2 सदस्यों का वार्ड होगा। इसके पहले महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 में संशोधन कर राज्य के मनपा और नगर परिषदों में एक सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू किया गया था, लेकिन कोविड के दौरान स्वास्थ्य संबंधी स्थिति से निपटने और जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाई गई वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से नगर निकायों में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को फायदा होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर विधानमंडल का 2 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग की थी। जवाब में ठाकरे ने कहा था कि देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मद्देनजर संसद का 4 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ साकिना का दुष्कर्म की घटना के मद्देनजर भाजपा की महिला विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने की मांग की है। इस पत्र पर पार्टी की 12 महिला विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे अपराधों से देश भर में महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा खराब हो रही है। इस मुद्दे को लेकर जारी पत्रबाजी के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के कार्यकाल के दौरान भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ गए थे। आज महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जबकि असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक जैसे भाजपा शासित प्रदेशों में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। लेकिन भाजपा नेता महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सावंत ने ये भी कहा कि संघ की विचारधारा के चलते भाजपा महिला विरोध बन गई है, लेकिन उसे भी भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र का समर्थन करना चाहिए। इस मुद्दे पर अभी आघाड़ी और युति में ठनी हुई है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश में धमाकों की साजिश रचने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र एटीएस ने भी जांच को आगे बढ़ाते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के नाम जाकिर हुसैन शेख और रिजवान मोमिन है। महाराष्ट्र एटीएस सूत्रों की माने तो जाकिर को इस पूरी साजिश की जानकारी थी। महाराष्ट्र एटीएस की एफआईआर में किसी एंथनी उर्फ अनस उर्फ अनवर का नाम लिखा है। यदि सूत्रों पर यकीन करें तो एटीएस को पूछताछ के दौरान इस बात के संकेत भी मिले हैं कि जाकिर का भाई शाकिर ही एंथनी है और वह अक्सर उससे बात किया करता था। ये भी पता चला है कि शाकिर उसे डी कंपनी की इस प्लानिंग को कैसे अंजाम देना है ये भी बताया करता था। एटीएस के मुताबिक मुंबई पुलिस ने साल 2001 में छोटा शकील के 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। उस समय उन पर पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का आरोप लगा था। तब आरोपियों को हिंदुस्तान की कुछ नामचीन हस्तियों को निशाना बनाने के लिए कहा गया था। इनमें बीजेपी नेता एलके अडवाणी का भी नाम शामिल था। जब इस बात की भनक तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर एमएन सिंह को लगी तब पुलिस ने 6 लोगों को मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। उस समय जाकिर हुसैन शेख को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया था। राजनीति में विरोध का अपना अपना तरीका होता है, कुछ प्रभावशाली होते हैं तो कुछ मजाकिया। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है।
21 सितंबर को यहां पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभा में स्थल और हेलीपैड को गंगाजल से शुद्ध करने का मामला सामने आया है। योगी के चरण रखने से धरती के अपवित्र होने की यह अपने आप में पहली घटना है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई कड़वाहट घुल रही है। बहरहाल राजनीतिक कड़वाहट अभी पंजाब में भी जारी है। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद नाराज चल रहे पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। स्थिति की गंभीरता का आकलन इससे किया जा सकता है कि जाखड़ राहुल प्रियंका के साथ ही विमान से दिल्ली भी आए। साफ है कि अभी पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं। सब कुछ ठीक तो अखिल भारतीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत प्रकरण में भी नहीं। एक नया वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस नए वीडियो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के तुरंत बाद बनाया गया दिखाई देता है। इस वीडियो में कमरे का पंखा चल रहा है, महंत नरेंद्र गिरी का शव जमीन पर पड़ा है और एक शीशे की टेबल पर नायलॉन की पीली रस्सी पड़ी हुई है। जवाब किसी के पास नहीं कि अगर पंखा चल रहा है तो उससे शव कैसे लटका हुआ था। इस बीच अधर में लटके एक मामले की वस्तु स्थिति साफ होती जा रही है। खबर है कि पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द ही एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अगले सप्ताह आदेश जारी करेगा, मगर लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। महंगाई में एक और तड़का लगने ही वाला है। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में संकेत मिल रहा है कि LPG सिलेंडर के लिए ग्राहकों को प्रति सिलेंडर ₹1000 का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि इस पर सरकार का क्या विचार है, यह अभी पूरा तरह साफ नहीं हुआ है। देश के इन 5 बड़ी घटनाओं में आम और खास के लिए वह हर चीज मौजूद है जिसे हर कोई जानना चाहता है। तो आइए इन्हें क्रमवार विस्तृत रूप से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के दौरे पर 21 सितंबर को यहां पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभा स्थल और हेलीपैड का गंगाजल से शुद्धिकरण करने के मामले में समाजवादी पार्टी के सहयोगी संगठन समाजवादी युवजन सभा के एक नेता पर केस दर्ज कर लिया गया है। उन्हें कल ही गिरफ्तार किया गया था। SP संभल चक्रेश मिश्रा के अनुसार थाना बहजोई के अंतर्गत वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया। इस वीडियो में 21 सितंबर को जो मुख्यमंत्री की सभा हुई थी उसमें पुलिस के रवाना होने के बाद भावेश यादव नाम का एक युवक उस स्थान पर पहुंचकर CM के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ धार्मिक कृत्य कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के कैला देवी स्थल में गत 21 सितंबर को एक जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ 275 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया था। इसके बाद समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव भावेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ कैला देवी के सभा स्थल, हेलीपैड और मंच स्थल सहित पूरे मैदान का गंगाजल से शुद्धिकरण किया। भावेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी देवी देवताओं में भेदभाव करते हैं। योगी कैला देवी आए थे मगर उन्होंने मां कैला देवी के दर्शन नहीं किए जिससे देवी का अपमान हुआ है, इसलिए उन्होंने पूरे जनसभा स्थल और हेलीपैड का गंगाजल से शुद्धिकरण किया है। उनका प्रण है कि जहां जहां योगी के चरण पड़ेंगे उस जगह को गंगाजल से शुद्ध किया जाएगा। पंजाब की राजनीति में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद नाराज चल रहे पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इतना ही नहीं, जाखड़ राहुल प्रियंका के साथ ही विमान से दिल्ली भी आए हैं। पंजाब में सियासी घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले जाखड़ के अचानक राहुल और प्रियंका से मिलने के बाद एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद भावी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में जाखड़ सबसे आगे चल रहे थे। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने इस रेस में बाजी मार ली। इसके बाद सुनील जाखड़ ने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने से पहले सुनील जाखड़ ही ये पद संभाल रहे थे। कहा जा रहा है कि जाखड़ को शांत कराने के लिए दिल्ली लाया गया है ताकि उनकी बयानबाजी से पार्टी को घाटा ना हो। इसके साथ ही उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। पार्टी की चुनावी अभियान समिति के अध्यक्ष के तौर पर जाखड़ के नाम पर पहले से ही विचार किया जा रहा है। खबरों के अनुसार सुनील जाखड़ को चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने का भी प्रस्ताव मिला था मगर उन्होंने इसे ठुकरा दिया है। अखिल भारतीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस नए वीडियो को महंत नरेंद्र गिरी की मौत के तुरंत बाद बनाया गया दिखाई देता है। इस वीडियो में कमरे का पंखा चल रहा है, महंत नरेंद्र गिरी का शव जमीन पर पड़ा है और एक शीशे की टेबल पर नायलॉन की पीली रस्सी पड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर इस नए वीडियो के सामने आने के बाद सवाल खड़ा किया जा रहा है।
कि महंत नरेंद्र गिरी का शव अगर पंखे से लटका हुआ था तो फिर कमरे का पंखा चल कैसे रहा था। नए वीडियो में आईजी केपी सिंह संदिग्ध मौत के संबंध में प्रयागराज के बांगबरी मठ में रहने वाले लोगों से पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब पौने दो मिनट का ये वीडियो उस कमरे का है जिसमें महंत नरेंद्र गिरी का शव तथाकथित तौर पर पंखे से लटका हुआ मिला था। इस वीडियो को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जब सब लोग घबराए हुए थे तो ये वीडियो किसने बनाया? क्या ये वीडियो सही है या फिर इसमें कुछ एडिट किया गया है? पंखा किसने चलाया? शव को क्यों बगैर पुलिस के आए नीचे उतारा गया? इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब अब सीबीआई को तलाशने होंगे। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द ही एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगा। इसके लिए अगले सप्ताह आदेश जारी होगा। सीजीआई एनवी रमन्ना ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम इसी सप्ताह आदेश जारी करना चाहते थे। वो एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं मगर कुछ सदस्यों ने निजी वजह से शामिल होने से इनकार कर दिया है, इसलिए मामले में विलम्ब हो रहा है। सीजीआई रमन्ना ने ये बात वरिष्ठ वकील सीयू सिंह से कही। बता दें कि सीयू सिंह पेगासस मामले में भी याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे हैं। इस मामले में 13 सितंबर को शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। इसमें 12 याचिकाओं पर फैसला आएगा। वहीं केंद्र सरकार ने जनहित और राष्ट्र की सुरक्षा का हवाला दे विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से मना किया था। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने दावा किया था कि इजराइल की कंपनी NSO के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत के 300 से ज्यादा मोबाइल नंबर उस संभावित सूची में थे जिनकी जासूसी किए जाने का संदेह है। इस सूची में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और अश्विनी वैष्णव कारोबारी अनिल अंबानी समेत कम से कम 40 पत्रकार भी थे। पेगासस मामले के सामने आने के बाद फ्रांस ने इसकी जांच शुरू कर दी है जिसके बाद केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में संकेत मिल रहा है कि LPG सिलेंडर के लिए ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 1000 रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि इस पर सरकार का क्या विचार है यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक LPG सिलेंडर को लेकर सरकार दो रुख अपना सकती है। पहला कि सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे और दूसरा कि कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए। साल 2020 में जब कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनिया भर में लॉकडाउन लगाया गया था उस समय कच्चे तेल की कीमतें गिर गई। इससे भारत सरकार को LPG सब्सिडी के मोर्चे पर मदद मिली क्योंकि कीमतें कम थी और सब्सिडी को लेकर बदलाव की आवश्यकता नहीं थी। मई 2020 से कई क्षेत्रों में LPG सब्सिडी बंद हो गई है। कुछ को छोड़कर जो दूर दराज के और LPG प्लांट से दूर है, जानकार मानते हैं कि सरकार सब्सिडी को लेकर विचार कर सकती है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है। ये योजना 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। वैश्विक परिदृश्य पर देखें तो भारत और पाकिस्तान दोनों को ही दुनिया के घाक नेताओं ने झटका देने की कोशिश की है। दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु पनडुब्बी और घातक टॉमहॉक मिसाइलों का समझौता किया है। इस सैन्य गठबंधन को ऑक्स नाम दिया गया है, लेकिन अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया कि इस गठबंधन में भारत और जापान को शामिल नहीं किया जाएगा। इससे भारत को झटका लगना तय है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश में जुटा है, लेकिन अब की बार पाकिस्तान को बड़ा झटका लगना तय है। दरअसल न्यूयॉर्क में 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से इतर होने वाली दक्षिण देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई है। वही यह तय हो गया है कि इस साल भी अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के नुमाइंदे ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंगलवार को पूर्व अफगान सरकार के इन्हीं नुमाइंदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण में हिस्सा लिया था। इससे पाकिस्तान के उम्मीदों को दोहरा झटका लगा है। इस बीच भारत को ब्रिटेन ने भी दूर से झटका दिया है। ब्रिटेन के नए यात्रा नियम के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले लोगों को टीकाकरण को मान्यता नहीं दी जाएगी और ब्रिटेन पहुंचने पर उन्हें 10 दिनों के पृथकवास में रहने की आवश्यकता होगी। माना जा रहा है कि तमाम कवायदे के बावजूद एशिया के दोनों देश अपनी अपनी पीठ सहलाने में लगी है, लेकिन फ्रांस के तेवर सख्त बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वह अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। ब्रिटेन ने फ्रांस को गुस्सा थूकने को कहा है।
झटके पर झटके वाली पूरी कहानी को इन 5 खबरों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम भी समझें कि दुनिया किस तरह का कदम ताल चाहती है और हम उसमें कहां पीछे हो रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु पनडुब्बी और घातक टॉमहैक मिसाइलों का समझौता किया है। इस सैन्य गठबंधन को ऑकस नाम दिया गया है, लेकिन अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया है कि इस गठबंधन में भारत और जापान को शामिल नहीं किया जाएगा। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क की यात्रा पर है और उनकी बाइडेन के साथ बैठक होनी तय है, ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ने चीन के आक्रामक व्यवहार से जूझ रहे भारत और जापान को झटका दिया है। बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए नए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस की 15 सितंबर को घोषणा की थी। ऑकस समझौते से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सहयोगी देशों को आश्चर्य में डाल दिया है। चिंता यह है कि अगर अमेरिका ने ऑकस या इसी तरह के अन्य गठबंधनों को तर्जीय देना शुरू कर दिया तो क्वाड का रणनीतिक महत्व कमजोर हो जाएगा। ऑकस जहां एक सैन्य गठबंधन है, वही क्वाड का एजेंडा दूसरा है। बहरहाल भारत कूटनीतिक दबाव बनाने में लगा है, अगर सफलता नहीं मिली तो यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश में जुटा है, लेकिन अब की बार पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल न्यूयॉर्क में 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से इतर होने वाली दक्षिण देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान इस बैठक में तालिबान के प्रतिनिधि को शामिल करने की जिद पर अड़ा हुआ था। गहराए मतभेद की वजह से 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली इस बैठक को रद्द करना पड़ा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन विदेश मंत्रियों की बैठक परंपरागत रूप से वार्षिक संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से इतर आयोजित होती रही है। सूत्रों के अनुसार 25 सितंबर को यह बैठक होने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने चाल चलते हुए बैठक में तालिबान को भी प्रतिनिधित्व देने की मांग उठा दी। भारत और सार्क के कई अन्य देशों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। खबरों के अनुसार अधिकतर देश इस बात पर राजी थे कि अफगानिस्तान की कुर्सी बैठक के दौरान खाली रखी जाए, मगर पाकिस्तान अड़ा रहा। बता दें कि नेपाल को सार्क के इस बैठक की अध्यक्षता करनी थी। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ही वार्षिक तौर पर आयोजित की जाती है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान के आगे सबसे बड़ी चुनौती अपने सरकार को दुनिया भर में मान्यता दिलाना है। इसके लिए सबसे अहम मंच है संयुक्त राष्ट्र, जहां पाकिस्तान और चीन के रूप में पहले से ही तालिबान के पैराकार मौजूद है। खुद तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को चिट्ठी लिखकर यूएन जनरल असेंबली में अफगान का प्रतिनिधित्व करने देने की मांग की थी। हालांकि तालिबान का यह सपना फिलहाल पूरा नहीं हो सकेगा, फिर चीन और पाकिस्तान भी कितना ही जोर क्यों न लगा ले। इस साल भी अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के नुमाइंदे ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंगलवार को पूर्व अफगान सरकार के इन्हीं नुमाइंदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण में हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, जब तक क्रीडेंशियल कमेटी तालिबान के आवेदन पर फैसला नहीं कर लेती, तब तक संयुक्त राष्ट्र में अफगान का प्रतिनिधित्व पुराना स्टाफ ही करता रहेगा। तालिबान की चिट्ठी पर दरअसल 9 सदस्यों वाली क्रीडेंशियल कमेटी को फैसला लेना है और 27 सितंबर से इस कमेटी की बैठक हो पाना असंभव माना जा रहा है। और अगर कमेटी की बैठक हो भी जाती है तो इस विवाद का हल सिर्फ 1 या 2 दिन में निकालना लगभग नामुमकिन है। मौजूदा समय में इस कमेटी के सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, बहामास, भूटान, चिली, नामीबिया, सियेरा लियोन और स्वीडन है। ब्रिटेन के नए यात्रा नियम के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले लोगों के टीकाकरण को मान्यता नहीं दी जाएगी और ब्रिटेन पहुंचने पर उन्हें 10 दिनों के पृथकवास में रहने की आवश्यकता होगी। यात्रियों के संबंध में ब्रिटेन की इस नई कोविड-19 टीका नीति को लेकर भारत ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविशील्ड टीका लगवाने वालों के संबंध में देश की चिंताओं से ब्रिटेन की नवनियुक्त विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस को न्यूयॉर्क में हुई बैठक में अवगत कराया। श्रृंगला ने कहा कि यह मुख्य मुद्दा यह है कि एक वैक्सीन है कोविशील्ड, जो ब्रिटिश कंपनी का लाइसेंसी उत्पाद है, जिसका उत्पादन भारत में होता है, और ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर हमने ब्रिटेन को इसकी 50 लाख खुराक भेजी है। हम समझते हैं कि इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के तहत हो रहा है और ऐसे में कोविशील्ड को मान्यता नहीं देना भेदभावपूर्ण नीति है और इससे ब्रिटेन की यात्रा करने वाले हमारे नागरिक प्रभावित होते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यदि 4 अक्टूबर तक भारत की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो
तो ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के संबंध में वैसे ही कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि यात्रा संबंधी ब्रिटेन का नया नियम 4 अक्टूबर से प्रभावी हो रहा है। श्रृंगला ने कहा कि हमने कुछ साझेदार देशों को एक दूसरे के टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता देने का विकल्प भी दिया है, लेकिन ये कदम एक दूसरे के निर्णयों पर निर्भर करते हैं। हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। यदि हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसी तरह के कदम उठाना हमारे अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वह अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। ब्रिटेन ने फ्रांस को गुस्सा थूकने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र और क्वाड नेताओं की बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वॉशिंगटन में कहा कि वह फ्रांस के साथ संबंधों को दोबारा बनाने में सब्र से काम लेंगे। पिछले हफ्ते फ्रांस ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच हुए ऑकस समझौते पर नाराजगी जताते हुए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे। इस समझौते के चलते ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच 2016 में हुआ अरबों डॉलर का पनडुब्बी समझौता टूट गया था, जिससे फ्रांस नाराज है। इस बीच अमेरिका ने फ्रांस के साथ बातचीत करके संबंधों को सामान्य करने की दशा में कदम बढ़ा दिए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिकी नेता जो बाइडेन से फोन पर बात की। इसके बाद फ्रांस ने कहा है कि उसका राजदूत अगले हफ्ते अमेरिका लौट जाएगा। आधे घंटे तक चली इस बातचीत को व्हाइट हाउस ने दोस्ताना बताया और कहा कि दोनों नेताओं ने अगले महीने मिलने का कार्यक्रम बनाया है। बातचीत के बाद एक साझा बयान भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बाइडेन और मैक्रों ने विस्तृत मशविरे की प्रक्रिया शुरू की है, जिसका मकसद एक दूसरे का भरोसा जीतना है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।